अभी हम आ गए थे सग्राडा फैमिलिया के पास यार, फाइनल व्यू देखो पूरी चर्च का मैंने आपके लिए वाइड एंगल में वाला, देखो क्या बढ़िया लग रहा है यार, कितना बड़ा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। टुडे आई एम इन न्यू सिटी, अनदर फाइनेंशियल सिटी ऑफ स्पेन व्हिच इज कॉल्ड द बार्सिलोना, अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। And just across my parking, you can see Sagrada Familia, another piece of art by Antonio Guardi. यहाँ पे पायल खाने आए हैं, तो देखो पायल्स के अलग अलग रेट, मैंने आपको अलिकांते वाले ब्लॉग में पायल दिखाए थे। यहाँ पे बार्सिलोना में उसका रेट कितना ज़्यादा है, मुझे बार्सिलोना सिटी थोड़ी एक्सपेंसिव लगी बट ठीक है, ओवरऑल इट्स अ सिटी तो चलता है। ये देखो यार, और वेजिटेबल पाया तो सिर्फ पुलाव होता है। तो आज बार्सिलोना में खूब सारी बारिश हो रही है, तो ये देखो यार, ये सामने मेरे एकदम एयरबीएनबी के सामने म्यूज़ियो दे ला टॉरी हुआ है, जैसे जो आपका फेम जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था जहाँ पे वो बफेलो वाली फाइट हुई थी, वो सेम ये वाला भी सेम म्यूज़ियम है वैसा ही। ये भी मुझे उतना ही बड़ा लग रहा है, बट मैड्रिड का ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा स्पेस है कि आगे ज़्यादा मतलब ओपन जगह है। हम जा रहे हैं अभी सग्राडा फैमिलिया सुबह के 8:30 बजे। तो यार ये हम आ गए थे सग्राडा फैमिलिया के पास में, जैसे आपको मैंने बताया, और मैंने अपना टिकट ले लिया जो टूर का था, ये मुझे ये इन लोग कंपनी ने दिया है, बट मैंने गेट योर गाइड से बुक करा था, और ये रफली अराउंड मुझे पड़ा 49 यूरोज़ का, 75 यूरोज़ का एक टावर है। शायद टावर आप खुद भी जा सकते हो, मुझे चेक करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट हाँ ये पूरा डिटेल्ड में सब कुछ करवाएगा मेरे को, पूरा अंदर का टूर मैं आपसे शेयर करूँगा। यार सग्राडा फैमिलिया के अंदर पूरा सिक्योरिटी चेक था एयरपोर्ट की तरह, और ये देखो ये हमें ये दिया है और ये हेडफोन्स दिए हैं अंदर गाइड को सुनने के लिए। बहुत ही बड़ा है यार, ये कितना बड़ा लग रहा है। ऐसा बनेगा जो आपका सग्राडा फैमिलिया, वो ऐसा ही बन रहा है। ये गाउदी का ना सबसे फेमस पीस ऑफ आर्ट है, मतलब दुनिया में इतने सारे उनके चर्चेज हमने सारे देखे, फ्रांस में देखा, ऑस्ट्रिया में देखा, स्पेन में देखा, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस है उसका। और इसके यहाँ पे बार्सिलोना से उसको क्या प्यार था, चार उसने यहाँ पर बना दिए, एक ये मेन है चर्च, बाकी सारा कासा है और एक अलग अलग है। तो ये जो चर्च थी ना, इसका पहले आर्किटेक्ट कोई और था, गाउडी नहीं था, और गाउडी की जगह पे किसी और को बनाया था। गाउडी फिर सेकेंड ईयर में आया, उसको डोनेशंस मिली काफ़ी सारी, फिर उसने इसको बनाया, और उसमें अभी बहुत सारे टावर्स बनने हैं। और यहाँ पे सारे रिच लोग रहते थे, रिच लोगों ने गरीबों के लिए ये चर्च बनाने के लिए करा था, सोच के देखो भाई गरीबों के लिए इतनी अमीरियत। जो ये आपको पिलर दिख रहा है, ये पिलर जो है ये फैमिली ट्री है, तो इसमें सबसे लोएस्ट नेम जो है वो अब्राहम का है, और उसके बाद ऊपर एक पूरा फैमिली ट्री चल रहा है। तो जो स्टेयरकेस है ये स्नेक की तरह बनी हुई है, और उसके हर स्टेयरकेस का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो ये बताता है गाउडी का जो मेन एम था उसको सिंपल और नेचर से कनेक्ट करने का था, इसको स्नेक की तरह उसने बनाया, और अगर कोई पत्ते को ऊपर से गिराओ तो वो ऊपर से सीधा ही नीचे गिरता है, और वो एक लेवल पर ऐसे फ्लटर होता है। तो वैसे ही उसने एक लेवल पर फ्लटर करते हुए स्टेयरकेस बनाई एक ही साइज़ की। तो टेक्निकली ईजी है गाउडी का आर्किटेक्चर, बट एट द सेम टाइम स्टिल डिफिकल्ट एज वेल, तभी 100 साल लगता है। तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो है 45 मीटर टॉल है, दूसरा वाला जो है वो 30 मीटर टॉल है, और ये वाला जो है ये 15 मीटर टॉल है, 15-15 का डिफरेंस है, सोच के देखो। तो जो कॉयर है इन्होंने पूरा यू शेप बनाया हो, और पूरा यू शेप ही सारे जो अडल्ट लोगों के लिए कॉयर होते हैं उनके लिए, और 756 लोग ऊपर रह सकते हैं, और छुपाने के लिए कंसील करने के लिए इसने ऐसे मैथमेटिकल डिज़ाइंस बना दिए, ये ऐसा बना दिया जिसलिए ये कंसील करने के लिए, और वहाँ पे अगर कॉयर कोई करता है तो उधर उनकी आवाज़ उधर एको होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा टॉल है। और चिल्ड्रन यहाँ पे, क्योंकि वो बच्चों की आवाज़ लड़कों अडल्ट की आवाज़ के साथ ना मैच करें, तो उनका यहाँ पे नीचे, और वो स्केयर ऑफ हाइट भी होता है इसलिए उनका नीचे रखा। ये जो है ये मेन गेट है इस चर्च का, और यहाँ पे एंटनी गाउडी ये वो करी हुई है प्रेयर लिखी कैटलन लैंग्वेज के अंदर मेन में, और उसके साथ में जो वर्ड्स हैं वो 49 लैंग्वेजेस में लिखी हुई हैं। तो जो आपको पूरी फसाड दिख रही है, ऊपर ये पिलर्स दिख रहे हैं, ये फॉरेस्ट शेप है, देखो ट्री के शेप में लगता है, और ये इस तरफ से भी आपको सपोर्ट कर रहा है, उस तरफ से भी सपोर्ट कर रहा है, बीच में ये एकदम यू शेप को बैंगल की तरह दिखाएगा, और उस तरफ जो है उस तरफ प्लानिटेरियम के फॉर्म में है।
तो ये हर चीज़ जो है ये मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ एक स्ट्रक्चर को हैंडल करने का था ये पिलर्स के थ्रू। और इसको सोच के देखो कितने साल पहले बनाया था। अब दूसरी चीज़ ये देखो, ये जो आपको ये दिख रहा है सामने, गॉथिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, नीचे की तरफ लाइट होती है, ऊपर की तरफ डार्क होता है। इसने उल्टा कर दिया, इसने नीचे की तरफ डार्क कर दिया, ऊपर की तरफ लाइट करा, क्योंकि कहता है कि लॉर्ड ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इस ऊपर से आपको देख रहे हो लाइट आ रही है, नीचे की तरफ से डार्क है। ये जो है ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर सिग्निफाई करता है मॉर्निंग्स को, अर्ली मॉर्निंग। और ये जो है ये आफ्टरनून को सिग्निफाई करता है, ऑरेंज कलर है, सनसेट्स, तो सनसेट इवनिंग्स। और उसके बीच में क्या है, ये चर्च है जो चैपल, तो यू आर लाइंग बिटवीन हेवन एंड हेल, सो यू ऑलवेज स्विचिंग बिटवीन द टू। देखो यार ये सेवन, ये जो है ना प्लाया था मलोर्का के अंदर ओरिजिनल था, यहाँ पे इसका कॉपी लगाया था गाउडी ने, एक बंदे को बांध दिया था जीसस क्राइस्ट की तरह, और उसका इंप्रेशन लेके उसने बोला कि ऐसे बनाओ, क्योंकि जब मरता है कोई इंसान तो खड़ा नहीं रहता, ये यूजली अगर आप क्रॉस देखो तो जीसस क्राइस्ट खड़े रहते हैं, इसमें थोड़ा सा पैर बेंडेड है। और जो सेवन सेवन लैंटर्न है टोटल में करो 49 है, विच इज द 49 डेज ऑफ ईस्टर। एक और मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये जो है ना ये सिंगल पीस ऑफ ऑयस्टर का बना हुआ, इतना बड़ा ऑयस्टर है ये। यार ये देखो पूरे जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में बताया हुआ है, उधर बंदे ने देखो जीसस क्राइस्ट के पैर पकड़े हुए हैं, और फिर यहाँ पे जो है जीसस क्राइस्ट को ऐसे क्रॉस पे डाला हुआ है, वहाँ पे सेटन है, और उसको बता रहे कि ओवर द टाइम की लाइफ कितनी अनप्रडिक्टेबल हो सकती है वो बताते हैं, तो इसका तभी फेस है। और सामने सारे सुडोकू लवर्स के लिए चीज़ दिखाता हूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो कोई भी एंगल से आप टोटल करोगे, इसका 331 कॉम्बिनेशन है पहली चीज नंबर्स की, और 33 इसका टोटल आएगा, 33 इज द ईयर व्हेन जीसस डाइड। यार एक गाउडी ने यहाँ पे स्कूल बनाया था जो वर्कर्स थे उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, तो इसका एक सिग्निफिकेंस देखो, कोन शेप में है सब कुछ, कोन शेप में सारी वॉल्स ऐसे टेढ़ी हुई हैं, सबका वेट साइड पे आ रहा है, बीच में वैसे एक सिंगल पिलर है, और बाकी जो ये जो विंडोज हैं ये टॉलर है, मतलब मेरे शोल्डर्स तक आ रही है, अगर मैं 5 feet 10 inches का हूँ तो मेरे ईयर्स तक आ रही है, ईयर्स या शोल्डर्स तक आ रही है, तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो सकते, लाइट अंदर आएगी उनके एकदम डायरेक्टली उनके बुक्स पे। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे बाहर नहीं देख पाएंगे तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे। तीसरी चीज़, इन्होंने यहाँ पे वर्टिकल ब्रिक्स यूज़ करी है, वर्टिकल ब्रिक्स का ये सिग्निफिकेंस है कि लेस मटेरियल यूज़ होगा और ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी। ये देखो यार सामने की तरफ लाइट देखो कैसे आ रही है, वो जो रेड कलर की जो आपको ग्लासेस से दिखा रहा था वो देखो लाइट। और यार ये देखो आपको अभी मैंने उधर का कंपेयर करा, आप इधर का ये देखो पूरी ब्लू लाइट आ रही है इधर। यार ये फाइनल व्यू देखो पूरी चर्च का मैंने आपके लिए वाइड एंगल में वाला, देखो क्या बढ़िया लग रहा है यार, कितना बड़ा है। भाई साहब ये देखो ये स्कूल उनका टाइम था, उन्हीं की डेस्क वेस्क हैं सारी की सारी, और उसमें से ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाता था वो गाउडी। हमारे उसमें क्या है भाई साहब, इतने सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएसटी, साइंस, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा देते हैं। उसने बोले यही दो चीज़ें समझनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। यार ये देखो गाउडी की वर्कशॉप थी, ओरिजिनल वर्कशॉप है उसकी। यार ये देखो इसका फाइनली मैं इससे निकला बाहर, और ऊपर देखो पूरा बीच वाला जो टावर है वो भी बन रहा है, क्रेने वेने सब है इधर, और सारा कुछ कंस्ट्रक्शन के अंडर है। और यहाँ पे बर्गर किंग भी है, KFC भी, अगर आपको खाना है, नॉर्मल टापास भी हैं बाहर। मैं तो KFC से एक वो करा है, मील ऑर्डर करी है। यार एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी KFC के अंदर, इंडिया में ये चीज़ नहीं आती, मैं लगा कि आप लोगों से शेयर करूँ, क्या बढ़िया एक पोलिज्जा मैंने लिया है, इसका नाम है पोलिज्जा, तो बेकन और उसके नीचे चिकन। भाई साहब ये देख रहा, ये मैं ये खा रहा हूँ यार। तो हम यहाँ पे आ गए हैं पार्क गोयल, मैंने आपको कल दिखाना था बट मैंने कल टिकट ले लिया था, और मैं आज आया हूँ इधर पार्क गोयल एंट्री। ये देखो यार यहाँ से पार्क स्टार्ट होता है। यार आज भी ये पार्क सोल्ड आउट है, और अच्छा हुआ मैंने कल टिकट्स ले लिया, वरना मुझे मिलते नहीं यहाँ पे। इसका टिकट मुझे 10 यूरो का पड़ा था, जैसे आपको मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था। और ये देखो ये पार्क स्टार्ट हो गया है यहाँ से, इसको एंथनी
आपका गीदो जो था आर्किटेक्ट जिसने सग्राडा फैमिलिया बनाया था उसे सेम ये वाला पार्क भी बनाया है, और इसी पार्क के इसको जो कमीशन करा गया था वो ग्वेल करके एक मिस्टर ग्वेल थे, एंथनी एंटोनियो ग्वेल थे, जिन्होंने इसे कमीशन करा था और गीदो को बोला था। इसको 14 साल लगे बनने में, और देखो यहाँ पे झूले भी हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर हैं, और उसका आर्किटेक्चर का मेन एम था कि वो ब्लेंड हो जाए नेचर के अंदर। तो सग्राडा फैमिलिया भी अगर आपने देखा फॉरेस्ट शेप में वो ब्लेंड हो रहा है, वैसे इसका भी सेम एम था। और ये व्हीलचेयर फ्रेंडली भी है पार्क, अगर आपको वॉक करना है वॉक भी कर सकते हो। प्रॉपर एक मैप है जिसको फॉलो करना है, 14 मॉन्यूमेंट्स हैं अंदर, मैं आपको मेन मेन दिखा दूंगा। तो ये हम आ गए इसके पहले स्ट्रक्चर के अंदर, ये देखो इसका नाम है लोअर ब्रिज, और ये ब्रिज इतना ब्लेंडेड है इन वे, नीचे भी देखो इसने वैसे ही आर्किटेक्चर करा हुआ है जैसे सग्राडा फैमिलिया में था, शेप्स ऑफ जो चर्च के अंदर था जो पिलर्स थे वैसे ही बनाए हुए हैं, और कितना प्यारा लग रहा है यार ये। तो ये लोअर ब्रिज यहाँ से देखो पूरा शुरू हो रहा है, बहुत ही अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है, बहुत ही मतलब वर्थ इट जगह है, अगर आप इधर आओ तो आप ज़रूर इधर आना। ये देखो यार पूरे सिटी का व्यू आ रहा है इधर, यहाँ से सामने ओशन भी दिख रहा है, पूरी सिटी का यार देखो यहाँ से व्यू आ रहा है, बार्सिलोना बीच जो मेन बीच एरिया है। ये मुझे नॉर्मल ऐसा पार्क लगा, अच्छा पार्क है मेन सिटी के अंदर जो एंथनी ने बनाया था, ऐसा भी कोई मेजर नहीं है, बढ़िया, इट्स अ गुड प्लेस। बाकी सारी चीज़ें में देखो FCB का स्टेडियम देख लो, वो हर जगह आप देख सकते हो स्टेडियम्स वगैरह, बट सम मॉन्यूमेंटल है कुछ पार्क वगैरह विच नोबडी कम्स, दैट्स द थिंग टू एक्सप्लोर। अब यहाँ पे और रिलैक्स करो, पिकनिक करो, चिल करो, इज समथिंग गुड राइट। तो देखो यार गाउदी ने अलग जगह जगह पे ऐसे घर बनाए हुए थे रहने के लिए विद इन द पार्क। यार ये देखो गाउदी का ये पार्क जो इसने बनाया हुआ है, ये पाम ट्री पार्क है, और ये इसका प्लाजा आ गया, ठीक है, द नेचर स्क्वायर, यहाँ पे इसने नेचर स्क्वायर बनाया। मैं तो मैप फॉलो कर रहा हूँ यार, बहुत प्रॉब्लम है इसके अंदर पूरा घूमना, घूम जाओगे आप पूरा। बहुत ही सही बना हुआ है ये, बहुत कुछ है इधर देखने। उधर उसका कासा था, उसका घर था खुद का, और यहाँ से व्यूज़ भी बहुत प्यारे हैं पूरे सिटी के। यार ये आवाज़ सुन रहे हो, ये बंदे यहाँ पे बैठे हैं यही बेच रहे हैं, ये देसी लोग हैं, यहाँ पे सब कुछ खोला हुआ इन्होंने यार, लिटरली पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी है दोनों ने सब खोल के बेच रहे हैं यहाँ पे। आवाज़ से आपको पता ही चल गया होगा, और यहाँ के कबूतर बहुत डीट होते हैं, कुछ नहीं ना हिलेंगे ना कहीं जाएंगे, बस यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये देखो यार हम इधर वापस, हम नेचर स्क्वायर के अंदर आ गए, सामने फिर से सग्राडा फैमिलिया का दिख रहा, और हम ऑस्ट्रियन गार्डन सोते हुए जाएंगे नीचे। ये यार ये देखो यार ये उसने कैसा बनाया है, क्या बढ़िया स्ट्रक्चर है यार, ये देखो यहाँ पे क्या बढ़िया बना हुआ है यार ये स्ट्रक्चर, ये सारे पिलर्स देखो यहाँ पे, ऊपर का जो रैम था उसी के हम एग्जैक्टली नीचे हैं अभी हम। एरिया इतना अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे एलिस इन वंडरलैंड में हम आ गए हैं यार, देख रहे हो। यहाँ पे गाउदी ने क्या बढ़िया बनाया हुआ है, ये देखो सामने का यार ये फाउंटेन है, और ये कितने साल पुराना है। ये आपको यहाँ पे ना इसके वो भी मिलेंगे फ्रिज मैग्नेट, सेम इसी स्ट्रक्चर के बने हुए हैं चिपकली के। यार ये देखो ये है मेन जो कासा है जहाँ से एग्जिट थी, वही एरिया है ये उसने बनाया था, कितना प्यारा लग रहा है ये भी उसे, कितना वो कोन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, अलग ही आर्किटेक्ट था भाई ये बंदा, अलग ही आर्किटेक्ट था भाई साहब, कसम से कह रहा हूँ। यहाँ पे आके आपको कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आके आप देखोगे ना मतलब हर चीज़ सोच समझ के बनाई हुई है, पूरा ये जो घर है इधर 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सारे इधर ही पॉइंट है मेरे हिसाब से, आप इधर पहले आ जाओ और फिर ऊपर जाओ, बहुत ही बड़ा पार्क है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। पर ये अब हम आ गए ला रामला स्ट्रीट, यहाँ पे पूरे आपका जैसे ग्रैंड विया मैड्रिड का वैसे ही है बार्सिलोना का, और यहाँ पे सारा ही शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, यू कैन शॉप एनीथिंग दैट यू वांट। सेफोरा का जैसे यहाँ पे स्टोर है, पुल एंड बेयर है, CNAS, यहाँ पे भी लास रोकास है जैसे स्पेन मैड्रिड में है, जहाँ पे आपको डिस्काउंटेड वे में जैसे बिचेस्टा विलेज है लंदन में वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ आपको बार्सिलोना में भी ऐसे ड्रिंकिंग टैप्स मिलेंगे, बट इससे पानी बिल्कुल मत पीना, इधर क्लोरीन बहुत ज़्यादा होता है, तो टैप वाटर बिल्कुल भी नहीं पीना, अनलाइक ऑस्ट्रिया व्लॉग में आपने देखा था टैप वाटर, यहाँ पे नहीं। यार बिल्डिंग देखो आप, ये इनकी यहाँ पे ये थिएटर आर्ट का बिल्डिंग है, और यहाँ पे शोज होते हैं, और साथ में कॉकटेल्स एंड टापास का एरिया है, और यहाँ पे वीड की भी बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, यहाँ पे कैरफोर का मार्केट प्लेस भी है, सब कुछ इधर है, मतलब यहाँ पे स्ट्रीट है एकदम कनॉट प्लेस की तरह है ये, और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऊबर्स हैं, टैक्सीज हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप मैड्रिड लैंड करो या कहीं बार्सिलोना लैंड करो, आप एक गाड़ी रेंट करो, और गाड़ी रेंट करके आप पूरा स्पेन घूमो,
अगर आपके साथ दो तीन लोग हैं, अगर आप अकेले हो तो आप ट्रेन ले लो, बाई एयर चले जाओ, फिर गाड़ी का फायदा नहीं है। बट अगर आप ग्रुप के साथ हो तो मेरे हिसाब से गाड़ी लेना इज द बेस्ट डिसीजन, इवन दो प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ चुका है। इलेक्ट्रिक कार मत लेना, इलेक्ट्रिक कार सिटी के लिए सही रहती है बट बाहर जाने के लिए इलेक्ट्रिक इज नॉट सूटेबल। यार जैसे हमारे यहाँ सब्जी मंडी होती है ना, वैसे यहाँ पे मार्केट होता है, मरकाट। देखो ये पूरी मार्केट लगी हुई है, बंद हो गई है, अंदर प्रॉपर स्टॉल्स हैं सब कुछ, और आप अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हो। इस समय हो रहे हैं 9 बज रहे हैं मड्रिड में, तो अभी भी सन होगा, यहाँ पे देखो हल्का हल्का सन है, सनसेट वाला। क्या वेदर हो रहा है। अभी मैंने यहाँ से यहाँ थोड़े वो लिए, सीड्स लिए इंडिया में लगाने के लिए। यहाँ पे देखो ये सारे सीड्स वगैरह सब बेच रहे हैं 3-3 यूरो के। मैंने इटालियन सीड्स है, मैंने इंडिया में लगा के देखेंगे यार, आपको दिखाएंगे अगर रुकते हैं तो। यार ये देखो क्या बढ़िया, ये प्लाजा दे मेयर था, यहाँ पे प्लाजा रियाल है। यहाँ पे देखो प्रॉपर फाउंटेन है, और कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही बढ़िया जगह है मेरे हिसाब से। पाम ट्रीज हैं, क्या बढ़िया लाइट आ रही है, क्या बढ़िया फोटोज हैं। फोटोज के लिए इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना है, और सारे टापाज वगैरह सब कुछ इधर मिल रहा है, यू कैन चेक इट आउट। यार देखो यहाँ पे लाइव आर्टिस्ट अपना कुछ पोर्ट्रेट बना रहे हैं बैठ के, लोग अपनी अपनी सामने लोग अपनी अपनी फोटोज बना रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है। ये देखो यार, ये क्रिस्टोफर कोलंबस का स्टैचू है यहाँ पे मिडल ऑफ बार्सिलोना में, क्रिस्टोफर कोलंबस की रिमेम्बरेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे जब डिस्कवर करा था स्पेन को। स्पेन से शायद से गए थे, पता नहीं कहाँ से गए थे, बट यहाँ पे उनका सिग्निफिकेंस था, उन्हीं को ऑनर करने के लिए यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। ये गवर्नर हाउस के एकदम पास में है। और ये देखो यार सबसे घटिया चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखो लोगों को देखो स्टैचू के ऊपर चढ़ के बैठे हुए यार, ये मतलब कोई ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ क्या ही बोले यार, मतलब कोई चीज़ को अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो आप उसको मतलब ऑनर करो ना, ऐसे चढ़ चढ़ के क्या पागल कुत्तों की तरह थोड़ी कहीं भी चढ़ जाओगे बैठे, ऑनर करो। मेरे हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ऐसे शेर बना हुआ, शेर के ऊपर चढ़ गए, जैसे आज ही शेर की सवारी करेगी वो, और शेर सामने आ गया ना तो फटके चार हो जानी है उसकी। बट एनी वे मुझे ये सब बकवास लगता है अगर मॉन्यूमेंट के सामने ऐसे लोग जो हरकतें करते हैं। बट यहाँ पे देखो कितना अच्छा ये बना हुआ है पूरा का पूरा, और इसी के सामने देखो यहाँ पे सारी यॉट्स हैं, और ये पोर्ट है यहाँ पे पूरा, यहाँ पे सारी बोट्स वोट सब खड़ी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे पूरा आपका ओशन, ये सारे नॉर्मल है, क्रूजेस चलती हैं। और सामने जो बार्सिलोना सबसे फेमस बुर्ज अल अरब की तरफ डब्ल्यू बाय मैरियट, यहाँ पे अगर आप आगे आओ तो उधर सबसे बड़ी वो जो क्रूज मैंने आप क्रूज शिप दिखाई थी वो यार, ये देखो बोट टूर्स का यहाँ पे लगा हुआ है। उस तरफ सारा एक्वेरियम है, अगर आपको एक्वेरियम देखना है, उनके पास पेंगुइन्स भी हैं। मैं यहाँ पे आया था लास्ट टाइम तो मैंने पेंगुइन्स भी देखी थी, और वो देखो कैसे जा रहा है सामने, देखा आपने, अभी भी ट्रक जा रहा है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पूरा पूरा ट्रक चले गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये सारा का सारा जो सामान है ना, ये जो इबीजा जाता है ना, वो इसी बोट के थ्रू शायद से जाता है, कि मैंने इबीजा में भी देखा था। अब आपके लिए इस अच्छे से व्यू के साथ साथ मैं अब आपसे अलविदा लेता हूँ। आई होप आपको मेरा सारे व्लॉग्स ओवर दिस टाइम अच्छे लगे जो मैंने अभी कवर करा, आपको सारा एक्सपीरियंस जो मैंने बार्सिलोना का शेयर करा आपके साथ। इसके बाद मैं आपके लिए एक और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लाऊंगा, और काफ़ी कुछ आपको बताऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। पार्टीज़ वार्टीज़ होती है, सब होती हैं, बट मैंने आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश की जो बाकी व्लॉगर्स नहीं दिखाते, सो आई वॉन्टेड टू कवर दैट। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टे सेक्सी। बाय बाय।